दोस्तों, आज जिस ऐप का तारुफ कराने जा रहे हैं वो है रिमोट कंट्रोल। मतलब जो सैमसंग ने क्रिएट की है वो ऐप है पील रिमोट के नाम से। इनके मोबाइलों में खुद ही आती है, बाज़ लोग इसके बारे में नहीं जानते। ये पील रिमोट एक बहुत ही अच्छी ऐप है। इसको आप अगर मोबाइल में इंस्टॉल है या सैमसंग का आपका मोबाइल है तो आप इसमें इंस्टॉल भी प्ले स्टोर से जाके कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पसंदीदा टीवी चैनल्स के, किसी भी टीवी के आप रिमोट जो है इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोजेक्टर के लिए रिमोट एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई होम थिएटर है, एवी रिसीवर है, अगर डिश रिसीवर है, एचडीएमआई स्विच है, साउंड बार, कोई भी इस किस्म की डीवीडी प्लेयर हैं आपके पास, इस तरह की चीज़ें हैं जिनके साथ रिमोट कंट्रोल चलता है। स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेयर बाज़ होते हैं, एयर कंडीशन, ये सब चीज़ें मैंने यूज़ की हुई हैं। सब तो नहीं, बाज़ चीज़ें इनमें यूज़ की हुई हैं। जैसे एयर कंडीशन के मैंने काफ़ी यूज़ किए हुए हैं, डिश रिसीवर का मैंने रिमोट यूज़ किया हुआ है, टीवी का मैंने रिमोट यूज़ किया हुआ है। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऐप है। इसके ज़रिए से हम कभी भी, अगर रिमोट नहीं मिल रहा लेकिन मोबाइल तो हमेशा हमारे पास ही होता है, तो हम इसके ज़रिए से अपनी रिमोट कंट्रोल के फ़ायदे उठा सकते हैं। जैसे कि ये मैंने डिश रिसीवर का रिमोट ऐड किया हुआ है, इस तरह ये होम का ऊपर ऑप्शन है। यहाँ पर आप मुख्तलिफ अपने रूम बनाकर तो उसके अंदर अलग अलग टीवी रिमोट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रबल शूट, अगर कोई बटन आपका काम नहीं कर रहा तो ये ट्रबल शूट रिमोट का ऑप्शन है। आप किसी भी बटन पर क्लिक करके तो उसको चेंज, उसकी सेटिंग को, उसके डिफरेंट बटन अगर नहीं काम कर रहा तो दूसरा बटन जो है उसको आप यस कर सकते हैं। तो ये है रिमोट कंट्रोल सैमसंग का अपना। बहुत, मुझे तो तकरीबन 99% चीज़ों के रिमोट जब ज़रूरत पड़ी है तो मैंने ढूंढे हैं तो मुझे मिल गए हैं। तो उम्मीद है आपको भी ये फ़ायदा देंगी। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।